बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग की क्लास में मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज के इस सेशन में हम जो टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे वो हमारे पास नेटवर्क लेयर होगा। नेटवर्क लेयर पर हमारे पास एड्रेस मैपिंग, एरर रिपोर्टिंग एंड मल्टीकास्टिंग, ये कैसे होता है, क्या होता है, तो हम इनको डिस्कस करेंगे। तो चलो अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और फर्स्ट जिन टॉपिक को कवर करेंगे वो हमारे पास एड्रेस मैपिंग होगा। द डिलीवरी ऑफ ए पैकेट टू ए होस्ट आर ए राउटर रिक्वायर टू लेवल्स ऑफ एड्रेसिंग, वन इज लॉजिकल एंड सेकेंड इज फिजिकल। वी नीड टू बी एबल टू मैप ए लॉजिकल एड्रेस टू एड्स करिस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस एंड वाइस वर्सा। दिस कैन बी डन बाई यूजिंग एदर स्टेटिक और डायनामिक मैपिंग। स्टेटिक एंड डायनामिक आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। ओके, टॉपिक डिस्कस एंड दिस सेक्शन इज मैपिंग लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस एंड मैपिंग फिजिकल टू लॉजिकल एड्रेस। ओके, तो हमारे पास जो मैपिंग होगा लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस होगा और दूसरा मैपिंग फिजिकल टू लॉजिकल एड्रेस। एआरपी ऑपरेशन होंगे, थोड़ा सा ज़रा डायग्राम के थ्रू आपको क्लियर करूँगी। तो आप देख लेंगे एआरपी रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्ट और यहाँ पर एआरपी रिप्ले इज यूनिकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट में क्या होगा कि आप देख सकती है हमारे पास डिफरेंस नेटवर्क है, डिफरेंट सिस्टम्स हैं, लाइक ये सिस्टम ए एंड ये हमारे पास सिस्टम बी एंड बेस्ट ऑफ ऑल जिसके थ्रू कनेक्टेड है। ये हमारे पास और भी इस तरह नोड्स है, और भी सिस्टम्स है। तो क्या करेगा ये सिस्टम ए हमारे पास, आप एरर के निशान से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसका डायरेक्शन किस तरफ है। तो रिक्वेस्ट होगा, रिक्वेस्ट में क्या होगा, लुकिंग फॉर अ फिजिकल एड्रेस ऑफ नोड विद आईपी एड्रेस लाइक दिस। तो ये रिक्वेस्ट करेगा एंड इस तरह इसकी इन डायरेक्शन में फॉरवर्ड होगी सिस्टम बी को। अब ज़रा ए आर फी रिफ्रे एन एज यूनिकास्ट में क्या होगा, तो आप ये देख लें यूनिकास्ट में क्या है, वन डायरेक्शन में हमारे पास ही सारा फॉरवर्डिंग होती है, सारा कम्युनिकेशन होगी। द नॉट फिजिकल एड्रेस इज लाइक दिस एंड दिस इज द यूनिकास्ट। क्लियर है, दिस इज द डायग्राम ऑफ यूनिकास्ट के। इसमें हमारे पास सारा डेटा जो है ना ट्रांसमिशन सब करेगा क्या, यूनिकास्ट में। एंड यहाँ पर हमारे पास ब्रॉडकास्ट मीन ये सेंड करेगा, तो मीन ये सब के लिए होगा। और यहाँ पर देख लें ये सेंड करेगा, तो मीन सिर्फ वन के लिए, सब के लिए नहीं। तो ये हमारे पास यूनिकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट था। अब जरा ए आर फी पैकेट को जरा क्लियर करेंगे, तो आप ज़रा देख सकिए हमारे पास 32 बिट होगा। इसमें भी हमारे पास जब डिवीजन होगी 8 बिट एंड 16 बिट। अगेन जो 8 बिट एंड 8 बिट है हमारे पास हार्डवेयर टाइप जिनमें होंगे, वो हमारे पास हार्डवेयर लेंथ एंड प्रोटोकॉल लेंथ होगा। और यहाँ इस साइड पर जो प्रोटोकॉल टाइप है वो हमारे पास ऑपरेशन रिक्वेस्ट वन रिप्ले टू। अच्छा, तो ये लोग को देख लेके सेंडर हार्डवेयर एड्रेस फॉर एग्जाम्पल 6 byte फॉर इथरनेट, सेंडर प्रोटोकॉल एड्रेस फॉर एग्जाम्पल 4 byte फॉर आईपी एड्रेस एंड इसके अलावा हमारे पास टारगेट हार्डवेयर एड्रेसेस फॉर एग्जाम्पल 6 byte फॉर इथरनेट एट इज नॉट फिल एन ए रिक्वेस्ट, टारगेट प्रोटोकॉल एड्रेस फॉर एग्जाम्पल 4 byte फॉर आईपी एड्रेस। ओके, तो अभी इस फिगर के थ्रू हम जरा एनकैप्सुलेशन ऑफ एआरपी पैकेट को रिप्रेजेंट करेंगे कि किस तरह हमारे पास होता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 8 बिट जो है टाइप इसका ये है और एआरपी रिक्वेस्ट और रिफ्रे पैकेट टू ही हमारे पास जस्ट इनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि फ्रेमबल एंड एसएफडी 8 बिट, डेस्टिनेशन एड्रेस 6 bytes, सोर्स एड्रेस 6 byte एंड टाइप हमारे पास 2 byte है जिनमें हमारे पास जो डेटा है ये एआरपी रिक्वेस्ट और रिफ्रे पैकेट होगा एंड सीआरसी जो कि 4 bit है। तो ये हमारे पास इनकैप्सुलेशन होगा। इनकैप्सूल आप लोग जानते हैं ना, जिस तरह कैप्सूल की हमारे पास गोली होती है, तो लाइक दिस इसका सारा वो प्रोसेस है। अच्छा, इसके बाद ज़रा एक दूसरे फिगर पर जाएंगे, पोर कैसेज यूजिंग एआरपी के। हमारे पास एआरपी
और डिफरेंस केसेस में किस तरह यूज होगा. तो लाइक फर्स्ट केस को देख ले, ए होस्ट हैज ए पैकेट टू सेंड टू अनदर होस्ट ऑन द सेम नेटवर्क. सेम नेटवर्क में ये है, यहाँ पर हमारे पास है ए होस्ट वांट टू सेंड ए पैकेट अनदर होस्ट ऑन अनदर नेटवर्क एट मस्ट फर्स्ट बी डिलीवर्ड टू ए राउटर. क्लियर है ना. देख ले पहले जरा इसको, इसमें हमारे पास दो सिस्टम है, होस्ट सेंडर एंड रिसीवर एंड लैन नेटवर्क है एंड टारगेट आई पी एड्रेस जो है ना डेस्टिनेशन एड्रेस एंड द आई पी डेटाग्राम. तो मीन है हमारे पास यहाँ पर जो है सेंड करेगा दूसरे होस्ट को और सेम ही नेटवर्क पर. जरा आप यहाँ पर देख ले, टारगेट आई पी एड्रेस एंड आई पी एड्रेस ऑफ द अनदर ऑफ राउटर है. यहाँ पर राउटर यूज होगा, जब राउटर यूज होगा तो मीन यहाँ पर एक नेटवर्क की बात नहीं, यहाँ पर दूसरा नेटवर्क भी हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे. आपको पता है ना राउटर हम तभी यूज करेंगे जब हमारे पास मल्टीपल या एक से ज्यादा नेटवर्क एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्शन करें. जब सेम नेटवर्क हो तो मीन तो सिंपल ही काम हो सके, जब हम दूसरे नेटवर्क पर वो करेंगे फिर हमारे पास वहां पर राउटर यूज होगा. तो यहाँ पर क्या है कि लैन नेटवर्क है लेकिन दूसरे वो नेटवर्क के साथ कनेक्शन है, तो यहाँ पर हम जो यूज करेंगे वो राउटर यूज करेंगे. यहाँ क्यों हम यूज करें कि हो जो है ना चाहता है सेंड कर ले पैकेट टू दूसरे होस्ट को जो कि दूसरे नेटवर्क पर है, और ये हमारे पास डिलीवर होगा थ्रू राउटर के थ्रू. अच्छा चलो जरा अब केस नंबर 3 पर आएंगे जो कि है कि राउटर रिसीव ए पैकेट टू बी सेंड टू ए होस्ट ऑन अनदर नेटवर्क एट मस्ट बी डिलीवर टू द एप्रोप्रिएट राउटर लाइक दिस. टारगेट आईपी एड्रेस एंड आईपी एड्रेस ऑफ द एप्रोप्रिएट राउटर फाउंड इन द राउटिंग टेबल लाइक सेंडर एंड रिसीवर. तो बोथ साइड पर हमारे पास राउटर यूज होंगे एंड नेटवर्क. क्लियर है. अच्छा अब जरा केस 4 पर आ जाएं. केस 4 में है कि राउटर रिसीव ए पैकेट टू बी सेंड टू ए होस्ट ऑन द सेम नेटवर्क. सेम नेटवर्क में हम सेंड एंड रिसीव दोनों काम करेंगे और राउटर हमारे पास एक यूज होगा और इसी एक राउटर के थ्रू दोनों का वो काम होगा लाइक दिस. देखिए ना हमारे पास लैन नेटवर्क है, राउटर के थ्रू हम करते हैं एंड एक नेटवर्क से एक उस सेम नेटवर्क के अंदर वो सारा हम चक्कर लगा रहे हैं. तो ये तो हमारे पास डिफरेंट पोर्ट केसेस थी ए आर फी के. अब जरा इसके रिलेटेड एक नोट करते हैं कि एन ए आर फी रिक्वेस्ट एज ब्रॉडकास्ट एंड ए और फी रिफ्ले इज यूनिक. ब्रॉडकास्ट होगा इसका जो रिक्वेस्ट और इसका जो रिफ्ले होगा हमारे पास यूनिक कास्ट होगा. तो चलो इसके रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं. एग्जांपल है कि ए होस्ट विद आईपी एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस. ये हमारे पास आईपी एड्रेस है, ये हमारे पास फिजिकल एड्रेस है. हैज ए पैकेट टू सेंड टू अनदर होस्ट विद आईपी एड्रेस like this and physical address like this. The two hosts are on the same Ethernet network. Show the ARP request and reply packet encapsulated an Ethernet frame. तो चलो स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं इसको कि किस तरह हमारे पास फिजिकल एड्रेस भी दिए गए हैं, आईपी एड्रेस भी दिए हैं और हम इसको किस तरह शो करेंगे एआरपी रिक्वेस्ट एंड रिप्ले करेंगे इनकैप्सुलेट एन ईथरनेट फ्रेम पर. तो फिगर में हमारे पास 21.5 में शो है कि द ए आर फी रिक्वेस्ट एंड रिप्ले पैकेट नॉट दैट द ए आर फी डेटा फील्ड इन दिस केस इज 28 बाइट एंड दैट द इंडिविजुअल एड्रेसेस डू नॉट फिट इन द 4 बाइट बाउंड्री. दैट इज व्हाई वी डू नॉट शो द रेगुलर 4 बाइट बाउंड्रीज फॉर दीज एड्रेसेस. ओके तो फिगर से अब क्लियर हो जाएगा ए आर फी रिक्वेस्ट एंड रिप्ले. लाइक हमारे पास एक सिस्टम है, सही एज ए सोर्स हम इसको कंसिडर करेंगे, ये हमारे पास दूसरा सिस्टम है एज ए डेस्टिनेशन हम इसको कंसिडर करेंगे. इसका हमारे पास आईपी एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस ये सारे ये हैं जो हम इसको डेटा सेंड करेंगे. हमारे पास एक टाइम के इंटरवल के दरमियान में हम ये सारा सेंडिंग करेंगे. तो आप देख सकते हैं ना ये सेंड होगा, यहाँ पर वो पहुंच कर हमारे पास वो जो रिफ्ले करेगा ए और फी तो ये लाइक दिस होगा. सो ये उसी टाइम के अंदर हमने सेंड भी करना है एंड रिसीव भी करना है और ये हमारे पास रिक्वेस्ट एंड रिफ्ले ऑफ ए और फी का एग्जांपल था. अब प्रॉक्सी ए और फी को करेंगे जरा फिगर के थ्रू. तो देख लें कि हमारे पास राउटर और होस्ट रिक्वेस्ट करेगा, ये हमारे पास यहाँ पर ब्रॉडकास्ट होगा मीन सबके लिए जाएगा.
अच्छा प्रॉक्सी आईपी है तो मीन हमारे पास जो डिफरेंस सिस्टम से उसके जो एड्रेस आईपी एड्रेसेस है ऐड करेंगे सबनेट मार्क सबनेट वर्क को सही है तो राउटर के थ्रू हमारे पास वो प्रॉक्सी ए आर फी राउटर को लेंगे तो क्या है कि द प्रॉक्सी ए आर फी राउटर रिप्लेस टू एनी ए आर फी रिक्वेस्ट रिसीव फॉर डेस्टिनेशन लाइक दिस एंड दिस ये हमारे पास आई पी एड्रेस है फिजिकल एड्रेस है डिफरेंस अच्छा जरा अब जो है ना इस फिगर में हम क्या करेंगे बूटीफी क्लाइंट एंड सर्वर ऑन द सेम डे सेम एंड डिफरेंट नेटवर्क हमारे पास किस तरह बूटीफी क्लाइंट एंड सर्वर है तो देख सकते हैं हमारे पास क्लाइंट एंड सर्वर ऑन द सेम नेटवर्क पर जब हो तो वो किस तरह होगा ये बूट क्लाइंट एंड ये बूट सर्वर होगा क्लाइंट आप लोग जानते हैं सर्वर भी आप लोग जानते हैं सही है क्लाइंट हमारे पास वो होते हैं जो हिदमात अंजाम देते हैं सर्वर वो होते हैं जो हिदमात प्रोवाइड करते हैं मीन जो जिस तरह मैंने आपको इसके रिलेटेड एक एग्जांपल दिया था कि आपके कॉलेज में प्रिंसिपल एंड टीचर का किस तरह वो रोल होते हैं प्रिंसिपल्स क्या करते हैं हिदायत देती है जबकि लेक्चरर्स ने टीचर्स ने उसको फॉलो करना होता है तो इस तरह हमारे पास क्लाइंट एंड सर्वर का वो एग्जांपल मैंने दिया था यहाँ पर हम बूट फी क्लाइंट एंड बूट फी सर्वर के रिलेटेड कुछ डिस्कस कर रहे हैं तो आप देख डिफरेंस हमारे पास क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से एंड सर्वर का उसका रिप्लाई क्या होते हैं उसको सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है जबकि इस क्लाइंट का उस सर्विसेज को सरंजाम देना होता है तो ये तुम्हारे पास क्लाइंट एंड सर्वर सेम नेटवर्क पर इसी तरह उसका सारा प्रोसेस होता है जबकि क्लाइंट एंड सर्वर ऑन डिफरेंस नेटवर्क पर हो तो आप जरा देख ले कि ये हमारे पास बूट फी क्लाइंट है यहाँ पर हमारे पास ये बूट फी सर्वर है यहाँ पर जो मैसेज ये करेगा ये हमारे पास ब्रॉडकास्ट होगा मीन ये ब्रॉडकास्ट होगा और यहाँ पर रिले एजेंट क्या करेगा उसको राउटर के थ्रू इंटरनेट को प्रोवाइड करेगा यूनिकास्ट करेगा अगेन उसको यूनिकास्ट बाकी नेटवर्क पर करेगा और लाइक इस तरह हमारे पास सर्वर को वो इस तरह पहुँचेंगे सही है तो ये हमारे पास क्लाइंट एंड सर्वर आर डिफरेंट नेटवर्क जब हमारे पास डिफरेंस नेटवर्क हो तो किस तरह होगा मीन इंटरनेट हो लोकल नेटवर्क हो मेट्रोपोलिटन सारे इसी में कंबाइन होंगे और ये हमारे पास जस्ट सिंपल नेटवर्क है तो दोनों में आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गई अच्छा अब जरा इसके रिलेटेड एक नोट है कि डीएचसीपी प्रोवाइड्स स्टैटिक एंड डायनामिक एड्रेसेस एलोकेशन दैट कैन बी मैनुअल और ऑटोमेटिक अच्छा अब जरा आईसीएमपी को क्लियर करेंगे ये सारे में टीसीपी आईपी साउट्स पर आपके साथ एक बार क्लियर कर चुकी हूँ अभी जो है ना हम इसको ज़रा डिटेल में क्लियर करेंगे तो क्या है कि द आईपी प्रोटोकॉल हैज़ नो एरर रिपोर्टिंग और एरर करेक्टिंग मैकेनिज्म द आईपी प्रोटोकॉल आल्सो लेक्स ए मैकेनिज्म फॉर द होस्ट एंड मैनेजमेंट क्वेरीज द इंटरनेट कंट्रोल मैनेज मैसेज प्रोटोकॉल जिसको हम कहते हैं आईसीएमपी क्या के इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल हैज बीन डिजाइन टू कंपेंसेट फॉर द अब टू डिफिशेंसीज इट इज ए कंपेनियन टू द आईपी प्रोटोकॉल टॉपिक डिस्कस एंड दिस सेक्शन आर टाइप्स ऑफ मैसेजेस मैसेज फॉर्मेट एरर रिपोर्टिंग एंड क्वेरी डिबगिंग टूल्स तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे अच्छा क्या है जनरल फॉर्मेट ऑफ आईसीएमपी मैसेज तो हमारे पास डिफरेंट बाइट्स हैं जो डिवीजन हुआ है टाइप कोड एंड चेकसम में रेस्ट ऑफ हेडर है एंड डेटा सेक्शन है हमारे पास एक पेकर जो है ना उसकी डिवीजन है अच्छा यहाँ पर भी एक बात नोट करनी है आईसीएमपी ऑलवेज रिपोर्ट एरर मैसेज टू द ओरिजिनल सोर्स एरर रिपोर्टिंग मैसेज जो कि हमने एरर रिपोर्टिंग जो है ना डिवाइड किया है फाइव प्रो अनदर सब पार्ट्स में जो कि डिस्टिनेशन अनरीचेबल है जो कि टाइप थ्री में आता है सोर्स क्वेंच टाइप फोर एंड टाइम एक्सीडेड टाइप इलेवन पैरामीटर प्रॉब्लम्स टाइप ट्वेल्व एंड रीडायरेक्शन टाइप फाइव तो ये हमारे पास एरर रिपोर्टिंग की सब डिवीजन थी
अच्छा यहाँ पर भी जो बात याद करने की है तो ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्या है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ICMP एरर मैसेज, नो ICMP एरर मैसेज विल बी जेनरेट एंड द रिस्पॉन्स टू ए डेटाग्राम कैरिंग एन ICMP एरर मैसेज, नो ICMP एरर मैसेज विल बी जेनरेटेड फॉर ए फ्रेगमेंटेड डेटाग्राम दैट इज नॉट द फर्स्ट फ्रेगमेंट, नो ICMP एरर मैसेज विल बी जेनरेटेड फॉर ए डेटाग्राम हैविंग ए मल्टीकास्ट एड्रेसेस, नो ICMP एरर मैसेज विल बी जेनरेटेड फॉर ए डेटाग्राम हैविंग ए स्पेशल एड्रेस सच एज 127.0.0.0 लाइक ऑल जीरोज, समझ आ नहीं? अच्छा तो ये बात तो आप लोगों ने इसके रिलेटेड ICMP के रिलेटेड याद करने हैं जब आप लोगों ने इसमें कुछ काम करना है। अभी जरा फिगर के थ्रू कुछ और चीज़ें को क्लियर करेंगे, कंटेंट्स ऑफ डेट ऑफ फील्ड पादा एरर मैसेज। अच्छा तो क्या है कि रिसीविंग डेटाग्राम जो हमारे पास आ जाता है वो किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होगा, IP एंड हेडर, तो एड्रेस एंड रेस्ट ऑफ IP डेटा। अच्छा तो रेस्ट ऑफ IP डेटा ICMP पैकेट से 8 बाइट IP हेडर एंड ICMP हेडर, एंड इसके अलावा हमारे पास IP हेडर ICMP हेडर IP हेडर 8 बाइट्स एंड सेंट IP डेटाग्राम। तो यही तो यहाँ पर हमारे पास सेंट IP डेटाग्राम सेंट होगा, यहाँ पर ICMP पैकेट, यहाँ पर रेस्ट ऑफ IP एड्रेसेस, तो ये हमारे पास इस तरह सारा मैकेनिज्म होता है। अच्छा अब जरा हम जो है ना एक नए न्यू फिगर पर जाएंगे जो कि है रीडायरेक्शन कंसेप्ट। और रीडायरेक्शन कंसेप्ट क्या होता है देख लें, हमारे पास सिस्टम ए है मीन कंप्यूटर ए, एंड ये हमारे पास कंप्यूटर वी मीन सिस्टम बी है। अच्छा इन दोनों के दरम्यान में हम अब नेटवर्किंग करेंगे, कनेक्शन करेंगे, तो अब हम रीडायरेक्शन मैसेज को ज़रा करें तो देख लें कि हमारे पास जो पैकेट होता है, हमारा जो मैसेज होता है IP पैकेट, ये राउटर के थ्रू आएगा, लैन के थ्रू हमारे पास दूसरे राउटर पर आएगा, क्लियर है, और दोबारा दूसरे नेटवर्क पर जाके हमारे पास इसको यहाँ पर पहुँचेगा, या ऐसा होगा, या आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं थे? क्या है कि IP पैकेट आएगा ये इस लेंस के साथ, क्या IP पैकेट गुजर के दूसरे IP जो राउटर है उससे गुजरेगा, फिर IP पैकेट पर जाएगा, इस तरह अपने डेस्टिनेशन तक तो पहुँचेगा। हम अब बात कर रहे हैं रीडायरेक्शन कंसेप्ट को क्लियर करें, तो देख रहे जिस तरह मैं इस सिस्टम ए से अपने पैकेट को अपने मैसेज को सेंड कर रही हूँ, मैंने इसको सेंड कर लिया, यहाँ राउटर तक पहुँच गया, तो राउटर में ये जो है ना अपने डेस्टिनेशन तक नहीं जाएगा बल्कि क्या करेगा, दोबारा रिपीट होकर दोबारा अपने सिस्टम के अंदर जाएगा, समझ आ रही है? तो असल में ये हमारे पास कंसेप्ट है रीडायरेक्शन का। अच्छा इसके बाद ज़रा क्वेरी मैसेज पर आएंगे, क्वेरी मैसेज क्या होते हैं, तो बेसिकली हमारे पास क्वेरी मैसेज जो है ना पोर होते हैं, वन इज HO रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई जो कि हमारे पास टाइप 8 एंड 0 में आता है, इसके बाद हमारे पास टाइम स्टैम रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई है जो कि टाइप 13 एंड 14 में आता है, और एड्रेस मास्क रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई जो कि टाइप 17 एंड 18, एंड राउटर सॉलीसाइट टेशन जो कि एन एडवर्टाइजमेंट है जो कि टाइप 10 एंड 9 में आता है। ये था हमारे पास क्वेरी मैसेज क्या फिगर था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ज़रा इनकैप्सुलेशन ऑफ ICMP क्वेरी मैसेज को क्लियर करेंगे, तो आपके पास को पता है कि ICMP पैकेट एंड IP डेटा, तो हमारे पास IP हेडर मीन यहाँ पर ये सिर्फ ICMP पैकेट जो कि हमारे पास दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक हमारे पास IP डेटा एंड IP हेडर। ओके तो लो इसके रिलेटेड एक एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल है फिगर 21.14 शो एन एग्जांपल ऑफ द चेक सम कैलकुलेशन फॉर ए सिंपल HO रिक्वेस्ट मैसेज, वी रेंडमली चूज द आइडेंटिफायर टू वी 1 एंड द सीक्वेंस नंबर टू वी 9,
द मैसेज इज डिवाइडेड एंड टू 16 बिट टू वाइट वर्ड The words are added and the sum is complemented. Now the sender can put this value in the checksum field. Example of the checksum calculation को जरा करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह हमारे पास इस checksum की calculation हुई है 0, 8 like this 0, 1, 9 TE ST इसको हम सम करेंगे चेक सम और यहाँ पर हम तो आपके पास 0 आएगा सही है ना 008 ये हमारे पास एग्जांपल था चलो एक और एग्जांपल की तरफ आएंगे जो कि हमारे पास है कि वी यूज द फिंग प्रोग्राम टू टेस्ट द सर्वर fhda.edu The result is shown on the next slide. The ping program send message with sequence number starting from 0. For each probe, it gave us the RTT time. The TTL time to leave field and the IP datagram that encapsulate an ICM fee message has been set to 62. At the beginning, ping defined the number of data bytes as 56 and the total number of bytes as 84. It is obvious that if we add 8 bytes of ICMP header and 20 bytes of IP header to 56, the result is 84. However, note that in each probe, ping defined the number of bytes as 64. This is the total number of bytes and the ICMP packet like 56 plus 8. Okay, तो चलो इस example को जरा ping जो example हमने start किया है इसको continue रखेंगे तो आप देख सकते हैं dollar ping fhda.edu तो ping हमने यहाँ इसको enter कर लिया तो हमारे पास ये सारी value जो है ना आ जाएगी समझ आ रही है कितना कितना ये टाइम लेता है इसकी प्रोसेसिंग में ये आ गया फिर अगेन हम जरा fhda.edu ping स्टेटिस्टिक करेंगे तो 11 पैकेट्स ट्रांसमिटेड 11 रिसीव 0% पैकेट लूज टाइम हमारे पास टोटल ये होगा एंड RTT मैन एवरेज मैक्सिमम हमारे पास ये आ जाएगा मिली सेकेंड अच्छा तो द ट्रेस राउट प्रोग्राम ऑपरेशन को जरा आप करेंगे स्पीकर को क्लियर करेंगे हमारे पास ट्रेस राउट प्रोग्राम ऑपरेशन क्या होता है तो ये हमारे पास होस्ट ए एंड ये हमारे पास होस्ट बी नेटवर्क के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे राउटर के थ्रू वन नेटवर्क अदर नेटवर्क एंड अदर नेटवर्क ये हमारे पास यहाँ पर 3 नेटवर्क है जो कनेक्ट है हमारे पास राउटर के थ्रू अब ये नेटवर्क भी इस नेटवर्क के राउटर 3 के थ्रू कनेक्ट है और इसका ये अपना होस्ट सी है अब ये नेटवर्क जरा देख ले और ये इसके साथ कनेक्ट है यहाँ भी राउटर हमने यूज़ किया अब हमने यहाँ पर होस्ट ए होस्ट बी एंड होस्ट सी का नाम दिया है डिफरेंट नेटवर्क्स है एंड इसको हमने राउटर 1 राउटर 2 एंड राउटर 3 के थ्रू कनेक्ट कर लिया और यहाँ पर हम ट्रेस राउट प्रोग्राम ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हम अब कोई भी कनेक्शन करेंगे कोई भी डेटा कम्युनिकेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर इस राउटर के थ्रू हमारे पास वो सारा प्रोसेस होगा और अपने होस्ट तक वो पहुंचेगा क्लियर है अच्छा अब ज़रा एक एग्जांपल को करेंगे इसी के रिलेटेड क्या है कि वी यूज द ट्रेस राउट प्रोग्राम टू फाइंड द राउट फ्रॉम द कंप्यूटर वी यो गर डॉट डीज डीनजा डॉट ईडीयू द सर्वर fhda.edu the following show the result जब हम इसको सर्च करेंगे पिंग के थ्रू तो हमारे पास अब हमने ये एंटर कर लिया तो हमारे पास जो है ना ये वैल्यू आ जाएगी हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा द अननंबर्ड लाइन आफ्टर द कमांड शो दैट द डेस्टिनेशन इज लाइक दिस ये एड्रेस हमारे पास है लाइक फिर हमारे पास द पैकेट कंटेन 38 यहाँ 38 बाइट है फिर इसमें हमारे पास 20 बाइट ऑफ आईपी हेडर है समझ आ रहे हैं ना 20 हमारे पास क्या है आईपी जो है हेडर है 8 बाइट ऑफ यूडीपी हेडर है एंड 10 बाइट ऑफ द एप्लीकेशन डेटा एंड एप्लीकेशन डेटा आर यूज बाय ट्रेस राउट टू कीप ट्रैक ऑफ द पैकेट
ओके जरा इसको कंटिन्यू आगे भी रखेंगे क्या है कि द पाइप लाइन शो द फर्स्ट राउटर विजिट द राउटर इज नेम डी कॉर डॉट एफ एच डी ए डॉट ई डी यू विद आई पी एड्रेस द फर्स्ट राउंड ट्रिप टाइम वाज 0.995 मिली सेकेंड। जब हमने फर्स्ट में वो लिया तो हमारे पास इतना वो टाइम हो गया, द सेकेंड वाज 0.899 मिली सेकेंड एंड द थर्ड वो हमारे पास ये था लाइक सही है ना, ये समझ आ रही बात, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लाइक दिस, एक एक का हमने ये कर लिया। अच्छा अब जरा है कि द राउटर इज नेम डी बैक ऑफ डॉट एफ एच डी ए डॉट ई डी यू विद आई पी एड्रेस जी, तो हमारे पास थ्री राउंड ट्रिप टाइम फॉर आर आल्सो शो द थर्ड टाइम लैंड शो द डेस्टिनेशन हॉस्ट, वी नो डेट दिस इज द डेस्टिनेशन हॉस्ट बिकॉज देयर आर नो मोर लाइन, द डेस्टिनेशन हॉस्ट इज द सर्वर एफ एच डी ए डॉट ई डी यू बट इट इज नेम टेप डॉट टायर डॉट पी एच डी ए डॉट ई डी यू विद द आई पी एड्रेस लाइक दिस, द थ्री राउंड ट्रिप टाइम आर ऑल्सो शोन, मीन के हमने हमारे पास ये सारा टाइम अलग अलग जो है ना शो हो रहा है। ओके अब नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि इन दिस एग्जाम्पल वी ट्रेस अ लॉन्गर राउट द राउट टू बी एग्स एरोस डॉट कॉम सी नेक्स्ट स्लाइड हेयर आर द 17 हॉप बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन नॉट डेट सम राउंड ट्रिप टाइम लुक अनयूजुअल एट could be that a router was too busy to process the packet immediately. क्लियर है? अच्छा अब जरा उसी एग्जाम्पल को दोबारा जरा आपके साथ डिस्कस करूँगी, क्या है कि हमारे पास डॉलर ट्रेस राउट एक्स एरोस डॉट कॉम, तो ट्रेस राउट टू एक्स एरोस डॉट कॉम हमारे पास ये उसका एड्रेस है जो कि 30 हॉफ मैक्स डॉट 38 बाइट पैकेट, तो एक एक पर हमारे पास और हर एक का जो 1 2 3 3 स्टेप में हमारे पास हर अलग अलग उसका क्या क्या टाइम है, यहाँ पर हमने डिफरेंस वो अप्लाई कर लिए उसके डिफरेंस टाइम के साथ, तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब ज़रा हम आगे आएंगे, अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारे पास IGMP है, IGMP क्या होता है कि द IP protocol can be involved and two types of communication. One is unicasting and other is multicasting. समझ आ रही है ना? The Internet Group Management Protocol IGMP is one of the necessary but not sufficient protocol that is involved in the multicasting. IGMP as a companion to the IP protocol. Topic discussed in this section are group management, IGMP message and IGMP operation, encapsulation and netstate utility. Clear hai? अच्छा इसके बाद ज़रा हम IGMP मैसेज टाइप को क्लियर करेंगे, इसको ज़रा डिस्कस करेंगे। तो IGMP मैसेज बेसिकली हमारे फास्ट फोर सब पार्ट्स में डिवाइड है, वन इज जनरल क्वेरी, सेकेंड इज स्पेशल क्वेरी, थर्ड इज मेंबरशिप रिपोर्ट एंड फोर्थ इज लीव रिपोर्ट। ओके अब एक एक को थोड़ा सा जरा समझाएंगे, हमारे पास जो IGMP मैसेज फॉर्मेट है तो उसका फॉर्मेट हमारे पास बेसिकली जो है ना इतने पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है, टाइप्स होता है, मैक्सिमम रिस्पांस टाइम होता है एंड चेकसम होता है, और इसके अलावा हमारे पास ग्रुप एड्रेस एंड द मेंबरशिप एंड लीव रिपोर्ट एंड स्पेशल क्वेरी आर जीरो एंड जनरल क्वेरी क्या है। तो हमारे पास जो मैसेज होगा वो असल में इन इन चीज़ों पर वो मुश्तमिल होगा, इसमें जो टाइप होगा हमारे पास 8 बिट उसके लिए रिजर्व होंगे और मैक्सिमम रिस्पॉन्स टाइम जो है 8 बिट टाइप, और इसके अलावा हमारे पास जो 16 बिट्स है चेकसम के लिए रिजर्व होंगे। क्लियर है? अच्छा अब ज़रा इस टेबल के थ्रू IGMP टाइप फील्ड को डिस्कस करेंगे, आप देख सकिए हमारे पास उनके टाइप्स हैं IGMP टाइप एंड ये हमारे पास डिफरेंस वैल्यू है, तो जनरल और स्पेशल क्वेरी है जो कि हमारे पास 0x11 और ये हमारे पास इनके वैल्यू है, इसके साथ मेंबरशिप रिपोर्ट एंड ये वैल्यू एंड लीव रिपोर्ट लाइक 0x17 या हमारे पास ये बाइनरी वैल्यू हैं, तो ये हमारे पास IGMP टाइप फील्ड है टेबल के थ्रू समझा दिया।
अब जरा इस फिगर पर आएंगे आईजीएमवी ऑपरेशन के, कि असल में हमारे पास इसका पूरा प्रोसेस किस तरह होते, ये ऑपरेशन इसका किस तरह होते। तो आप देख लें हमारे पास इस नेटवर्क में डिफरेंस डिवाइसेस कनेक्ट है, लाइक सिस्टम ए, सिस्टम बी एंड अप टू जेड, यहाँ तक तो और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो नेटवर्क है वो एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड है, मुख्तलिफ डिफरेंस नेटवर्क एक दूसरे के साथ कनेक्ट है वो थ्रू राउटर होंगे। तो अदर नेटवर्क क्या है कि राउटर के थ्रू जो है ना दूसरे नेटवर्क के साथ हम कनेक्शन करेंगे। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी हम दूसरे नेटवर्क के साथ करेंगे, मीन यहाँ तो आपको ये सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके पास और भी यहाँ पर नेटवर्क है। और यहाँ पर भी देखें दूसरे नेटवर्क के साथ राउटर के थ्रू हम कनेक्शन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देख रहे लिस्ट ऑफ ग्रुप हैविंग रियल मेंबर्स, तो ये हमारे पास वो लिस्ट होगा। और इस तरह इस नेटवर्क के थ्रू ये सारे हमारे पास जो है ना एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे। ये असल में हमारे पास आईजीएमवी ऑपरेशन था। अच्छा, अब इसके रिलेटेड एक बात तो आप लोगों ने याद करनी है, वो बात जो है कि इन आईजीएमवी अ मेंबरशिप रिपोर्ट इज सेंट ट्विस्ट, दुगना हम सेंड करेंगे वन आफ्टर द अदर। अच्छा, दूसरी बात है कि द जनरल क्वेरी मैसेज डज नॉट डिफाइन ए पार्टिकुलर ग्रुप। ओके, अब जरा एग्जांपल इसके रिलेटेड करेंगे तो आई होप आपको यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो एग्जांपल है हमारे पास अमेजॉन, देयर आर थ्री होस्ट एंड ए नेटवर्क एज शोन इन फिगर, ए क्वेरी मैसेज वाज रिसीव्ड एट टाइम जीरो, द रैंडम डिले टाइम एंड टेंट ऑफ सेकेंड फॉर ईच ग्रुप एज शोन नेक्स्ट टू द ग्रुप एड्रेस शो द सीक्वेंस ऑफ रिपोर्ट मैसेज। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। द इवेंट्स अकर इन दिस सीक्वेंस आर टाइम फिल, हमारे पास क्या है कि द टाइम पर 228.42.00 एंड होस्ट ए एक्सपायर एंड ए मेंबरशिप रिपोर्ट इज सेंड व्हिच इज रिसीव्ड बाय द राउटर एंड एवरी होस्ट इंक्लूडिंग होस्ट बी व्हिच कैंसिल एट टाइमर फॉर 228.42.00। अच्छा, अब इसके बाद जरा उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास डिफरेंट टाइम दिया गया होगा और डिफरेंट टाइम्स के ऊपर हम इसको किस तरह करेंगे। तो टाइम 30 में है कि द टाइमर फॉर 255.14.00 एंड होस्ट ए एक्सपायर एंड द मेंबरशिप रिपोर्ट इज सेंड व्हिच इज रिसीव्ड बाय द राउटर एंड एवरी होस्ट इंक्लूडिंग होस्ट सी व्हिच कैंसिल एट्स टाइमर फॉर 255.14.00। क्लियर है? अच्छा, अब अगर हमारे पास टाइम जो है ना 50 दिया गया हो तो फिर हम क्या करेंगे। तो द टाइमर पर 238.71.00 एंड होस्ट बी एक्सपायर एंड मेंबरशिप रिपोर्ट इज सेंड व्हिच इज रिसीव्ड बाय द राउटर एंड एवरी होस्ट। टाइमर 70 पर क्या होगा, द टाइमर पर 230.43.00 एंड होस्ट सी एक्सपायर एंड अ मेंबरशिप रिपोर्ट इज सेंट व्हिच इज रिसीव्ड बाय द राउटर एंड एवरी होस्ट इंक्लूडिंग होस्ट ए व्हिच कैंसिल एट टाइमर पर 230.43.00। अच्छा, अब जरा इस डायग्राम के थ्रू, इस एग्जांपल के थ्रू क्लियर करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास ग्रुप है डिफरेंस, ये उनके टाइमर हैं, ये हमारे पास दूसरा ग्रुप है और ब्लॉक है इसके अंदर हमारे पास ग्रुप्स हैं, ये इसका टाइम है एंड ये हमारे पास दूसरा ग्रुप एंड इसका टाइमर है। तो ये हमारे पास लाइक ग्रुप ए है, सो ये हमारे पास डिफरेंस वो एड्रेस है, इसके टाइम है डिफरेंस, यहाँ ये दूसरा ग्रुप एंड ये दूसरा क्या है। तो अगर नेटवर्क के साथ ये कम्युनिकेशन करेंगे तो किसके थ्रू, राउटर के थ्रू। अच्छा, अब जरा दोबारा एनकैप्सुलेशन ऑफ आईजीएमवी पैकेट को करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास वो पैकेट है प्रेम हेडर, प्रेम डेटा एंड ट्रायल। तो जो प्रेम डेटा होगा हमारे पास बेसिकली दो चीज़ों पर मुश्तमिल होगा, आईपी हेडर एंड आईपी डेटा। फिर जो आईपी डेटा होगा हमारे पास आईजीएमवी मैसेज होगा जो कि 8 बिट होगा। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर भी एक बात जो है ना
याद करने की है कि द आई फी फैकेट डेट कैरीज एंड आई जी एम फी फैकेट हैज ए वैल्यू ऑफ वन एंड एट्स टी टी एल फील्ड. डेस्टिनेशन आई फी एड्रेसेस है कि टाइप एंड आई फी डेस्टिनेशन एड्रेस दिए गए. ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं आई फी एड्रेस के, क्वेरी, मेंबरशिप रिपोर्ट एंड लीव रिपोर्ट. और ये हमारे पास डिफरेंट जो है ना उसके आई फी एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेसेस होंगे. लाइक तो ये देख रहे हमारे पास आई फी एड्रेस है आल सिस्टम ऑन दिस सबनेट. ये हमारे पास देख रहे मल्टी कास्ट एड्रेस ऑफ द ग्रुप. ये हमारे पास है आल राउटर ऑन द ऑन दिस सबनेट. ओके तो क्या है कि मैपिंग क्लास डी टू इंटरनेट फिजिकल एड्रेस में क्या कहते हैं. तो लाइक दी आप देख ले कि हमारे पास 48 बिट इंटरनेट एड्रेस है. ये हमारे पास बाइनरी सारा कुछ है. यहाँ पर 23 बिट ऑफ द फिजिकल एड्रेस है. तो इसमें जो एक एक हमारे पास है 5 बिट अनयूज होंगे. ये मल्टी क्लास एड्रेसेस हैं. टोटल हमारे पास ये इतना है डी एड्रेस है. अच्छा क्या है नोट में कि इंटरनेट मल्टी कास्ट फिजिकली एड्रेस एस एन द रेंज जो कि हमारे पास इसका जो रेंज है ये होगा. अच्छा एग्जांपल पढ़ेंगे. एग्जांपल में है कि चेंज द मल्टी कास्ट आई पी एड्रेस टू एन इंटरनेट मल्टी कास्ट फिजिकल एड्रेस. तो सॉल्व करेंगे वी कैन डू दिस एंड टू स्टेप. वन इज क्या है फर्स्ट स्टेप में जो करेंगे वी राइट द राइट मोस्ट 23 bit of the IP address and the hexadecimal form में. And this can be done by the changing the rightmost 3 byte to hexadecimal and then subtracting at from the leftmost digit if it is greater than or equal to 8. In other words, the result as 2B जो कि हमारे पास colon 0E colon 07 होगा. अच्छा उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे. उसके पार्ट बी को करेंगे कि वी ऐड द रिजल्ट ऑफ पार्ट ए टू द स्टार्टिंग इंटरनेट मल्टीकास्ट एड्रेस व्हिच इज हमारे पास ये दिया गया है एंड द रिजल्ट हमारे पास यही आता है. अच्छा एक दूसरा एग्जांपल पर आएंगे. चेंज द मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस टू एन इंटरनेट मल्टीकास्ट एड्रेस. सॉल्व करेंगे द राइट मोस्ट 3 बाइट एंड हेक्साडेसिमल एज D4 colon 18 colon 09. We need to subtract 8 from the leftmost digit, resulting in 54 colon 18 colon 09. Okay, part B में क्या है कि we add the result of port A to the Ethernet multicast starting address. The result is like this. ओके ये हमारे पास ट्यून लाइन हैंडिंग है. हमारे पास ट्यून लिंक में हमारे पास क्या है लाइक के हमारे पास ये यूनी कास्ट आईपी एड्रेस है और ये हमारे पास मुश्तमिल है हेडर एंड डेटा पर जो कि डेटा है हमारे पास. फिर अगेन हेडर एंड डेटा पर होगा जो कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा ये मल्टी कास्ट में हो गया है. मल्टी कास्ट यूनिकास्ट आप लोगों ने समझना है. सही है यूनिकास्ट में और मल्टीकास्ट में क्या डिफरेंस है ये आगे पीछे जो है ना हमने स्टडी किया है. तो आई होप आपको आता होगा. अब इसके बाद जरा हम एग्जांपल करेंगे कि वी यूज नेट्स स्टेट सी नेक्स्ट स्लाइड विद 3 ऑप्शन -9 -n -r एंड -a. The minus n option gave the numeric version of IP addresses. The minus r option gave the routing table and the minus a option gives all addresses, unicast and multicast. Note that we show only the field relative to our discussion. Gateway define the router if iface define the interface. क्लियर है ये हमारे पास इंटरफेस को शो करेगा. अच्छा नोट दैट द मल्टीकास्ट एड्रेस इज शोन इन कलर. एनी पैकेट विद द मल्टीकास्ट एड्रेस फ्रॉम 224.0.0.0 टू 239.255.255.255 इज मास्क एंड डिलीवर टू द इंटरनेट इंटरफेस. ओके सर यहाँ पर आएंगे अगेन उसी पिछले वाले जरा एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे कि डॉलर नेट
स्टेट जो हमारे पास एन आर ए है जो कि करना आई पी राउटिंग टेबल है। ये हमारे पास डिफरेंट डेस्टिनेशन एड्रेसेस हैं, ये हमारे पास गेटवे के वो कोड्स हैं, ये हमारे पास मास के एड्रेसेस है प्लेक एंड ये हमारे पास इंटरफेस हैं। अच्छा अब ज़रा इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हमारे पास जो है ना आई सी एम पी वी सेक्स को करेंगे। तो क्या है कि वी डिस्कस आई पी वी सेक्स एंड चैप्टर 20 में ये ऑलरेडी बहुत डिटेल के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको आता होगा। अब यहाँ पर इसके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कुछ भी होगा तो आपको आना चाहिए क्योंकि कोई बहाना नहीं है। क्यों है, क्या ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अनदर प्रोटोकॉल डेट हैज़ बीन मॉडिफाइड एंड वर्जन 6 ऑफ द TCP/IP प्रोटोकॉल साउट एज ICMP V6। दिस न्यू वर्जन फॉलो द सेम स्ट्रेटजी एंड रिपर्पोजेज ऑफ वर्जन 4। तो टॉपिक डिस्कस एंड दिस सेक्शन एरर रिपोर्टिंग एंड क्वेरीज है ना। क्या है हमारे पास कंपेरिजन अब नेटवर्क ले इन वर्जन 4 एंड वर्जन 6 में किस तरह ये होता है। तो आप ज़रा नेटवर्क ले इन वर्जन 4 में देख लें एंड नेटवर्क लेयर एंड वर्जन 6 दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। देख लें हमारे पास जो नेटवर्क ले वर्जन 4 में था वो हमारे पास वहाँ पर क्या था, IGMP था, ICMP, IPv4, ARP एंड RARP है, सही है। अब ज़रा नेटवर्क लेयर एंड वर्जन 6 में आए तो वहाँ पर हमारे पास जस्ट टू थिंग्स है, वो हमारे पास क्या है, ICMP V6 एंड IPv6। ओके तो दोनों में ये ज़रा हमारे पास कंपैरिजन था। अब ज़रा इन कंपैरिजन को हम ज़रा और चीज़ों के थ्रू करेंगे। कंपैरिजन ऑफ द एरर रिपोर्टिंग मैसेज एंड ICMP V4 एंड ICMP V6। तो ये आप देख सकते टाइप ऑफ मैसेज है, ये हमारे पास वर्जन 4 के सारे कुछ है एंड ये हमारे पास वर्जन 6। तो देख रहे डेस्टिनेशन अनरीचेबल है तो वर्जन 4 में है यस, जबकि वर्जन 6 में भी यस है। यहाँ पर हमारे पास सोर्स क्वेंच है जो कि वर्जन 4 में यस, जबकि वर्जन 6 में नो। पैकेट टू बिग तो वर्जन 4 में नो एंड वर्जन 6 यस। टाइम एक्सीडेड की बात करेंगे हम तो वर्जन 4 में यस, जबकि हमारे पास वर्जन 6 में यस। पैरामीटर प्रॉब्लम की बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, वर्जन 4 में यस, जबकि वर्जन 6 यस। अच्छा एंड दोबारा इसके बाद हम जो लास्ट में आएंगे रीडायरेक्शन पर आएंगे और इसके रिलेटेड ज़रा वर्जन में इसकी बात करेंगे तो हमारे पास वर्जन 4 में यस है जबकि वर्जन 6 में भी यस है। ओके अब ज़रा दोबारा और चीज़ें को भी करेंगे। कंपेरिजन ऑफ फेरी मैसेज एंड ICMP V4 एंड ICMP V6 इन दोनों में करेंगे तो टाइप ऑफ मैसेज वर्जन 4 एंड वर्जन 6। HO रिक्वेस्ट एंड रिप्ले वर्जन 4 यस एंड यस, क्लियर है ना। अच्छा टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट एंड रिप्ले तो वर्जन 4 यस, वर्जन 6 नो। एड्रेस मास रिक्वेस्ट एंड रिप्ले तो हमारे पास वर्जन 4 यस एंड वर्जन 6 नो। राउटर सॉलिसिटेशन एंड एडवर्टाइजमेंट तो हमारे पास वर्जन 4 यस, जबकि वर्जन 6 यस, बोथ यस है। नेवर सॉलिसिटेशन एंड एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो हमारे पास वर्जन 4 में ARP यूज होगा, जबकि हमारे पास वर्जन 6 यस। अब ग्रुप मेंबरशिप की बात करेंगे तो वर्जन 4 में हमारे पास IGMP जबकि वर्जन 6 में यस हैं। तो ये तुम्हारे पास कंपैरिजन था, आई होप आपको क्लियर हो चुका है स्टूडेंट और आपको सारा लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। और क्लियर नहीं है तो आप कमेंट्स में मुझे बता दें ज़रूर कि आपको कहाँ पर इशू है, कहीं पर समझ ना आया हो, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।